मान ली कहना बहिना भाई, कुछ दिन घरे में रही जाई। बोला तनी हेरा से अभिनंदन मर बोलो के अपना कार्यक्रम चना के नाम है खुटा टोप के। जमाना जेकर हस्ती मिटावे में लागल बा, उ आपन अस्तित्व बचावे में लागल बा। गोला तनी हेरा से अभिनंदन मर बोलो के अपना कार्यक्रम चना के नाम है खुटा टोप के। लगातार वो लोग देख लो कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई बा, और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ला में कुछ चीज़ ऐसा बा जौन रुवा लोग तक सीधे पहुँचो थी, कुछ चीज़ ऐसा बा जौन रुवा लोग तक पहुँचावे के हमने के प्रयास करते हैं। यह चुनाव और चुनाव के तैयारी सब चीज़ के पीछा कर दिले बा, चाहे वो कोरोना होके, हालांकि कोरोना के संक्रमण और संकट लगातार बढ़ रहा बा, जना के चिंता सरकार के तो बढ़ले बा, लेकिन सरकार से ज़्यादा विपक्ष ओकरा पर चिंता व्यक्त करता। और विपक्ष लगातार यह बात के कह रहा बा कि कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्री और जितना भी तंत्र बाड़े उनका पहला धर्म और पहला काम बा कि कोरोना से लोग के बचाना, और दूसरा कि लोग के रोजगार कैसे पैदा होके। लेकिन यह बीच में जब चुनावी बिगुल फूकाइए गई बा तब विपक्ष भी पीछे रह के तैयार नहीं थे। रुआ पता बा कि जैसे चुनाव आवेला तो दल बदल और इन्हें से उन्हें जाए के सेंधमारी के प्रक्रिया शुरू हो जाला, जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ नेता और कद्दावर नेता कहे वाला, रणनीतिकार कहे जाए वाला, जिनका के आधुनिक राजनीति के चाणक्य भी कहल जाला, अमित शाह डिजिटल रैली 7200 LED लगा करके और वो अपन शुरुआत कर ले। लेकिन इस सब के बाद अब उनका साथी दल में भी इस बात के होड़ लाग गई बा। जनता दल यूनाइटेड लगातार एक सप्ताह तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलग अलग क्षेत्र में बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर के हर प्रखंड तक ले डिजिटल माध्यम से बातचीत भेल। पदाधिकारी लोग के तैयार कर गए कि चुनाव के तैयारी वो लोग शुरू कर दे। एकरा के लेकर के कई योजना और लगातार मीटिंग के दौर भी शुरू बा। लेकिन एकरा में सबसे पहला जो बात सामने आवता वो ये आवता कि नीतीश कुमार जी के रणनीति बहुत मजबूत और एकदम जमीनी बनता, जोना से वो तेजस्वी यादव के दूर दूर तक ढकेले के प्रयास करता है। लेकिन ये सब में रुआ इतना समझ सकीले कि तेजस्वी यादव के जब चारों तरफ से सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो रहा बा, लालू प्रसाद के पुत्र हवे और लालू प्रसाद के साथ ही जोन लगातार उनका संगे राजनीतिक लड़ाई में युद्ध में छात्र जीवन से ही साथे जुड़ल बाड़े, ऐसा कई गो नेता बाड़े जौन अभी भी मजबूत खूंटा गाड़ करके तैयार बाड़े। जितना आसान समझल जाते हुए और जितना आसानी से चर्चा चल रहा उतना आसान नहीं है कि नीतीश कुमार खूंटा उखाड़ करके तेजस्वी के बाहर कर दे। तेजस्वी यादव जमीन पर उतर चुकल बाड़े और पहला उनकर चुनावी रणनीति जौन बा और चुनावी बिगुल जौन फुकाइल बा वो नीतीश खेमा में सेंधमारी करके भइल बा। नीतीश खेमा के जदयू के नेता लोग के अब RJD में शामिल होकर के प्रक्रिया शुरू हो गई बा। ऐसने आज देखे के मिल रहा है कि जावेद इकबाल अंसारी जदयू के सदस्यता छोड़ करके RJD में शामिल हुए हैं और एकरा के लेकर के अब एक नया शुरुआत और चुनावी बिगुल RJD भी फूक दिले बा। एकरा साथ साथ एक और बात सामने आ रहा बा कि RJD में अलग अलग जौन दल रहे हैं वो भी RJD के साथ जुड़े खातिर अपन तैयारी शुरू कर चुके बड़े। ये सब तैयारी में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आता कि आए वाला चुनाव नीतीश कुमार खातिर भी आसान होके वाला नहीं है। एकरा पीछे जब तेजस्वी यादव पूरी तरह से उनका टीम के साथ हमला करे के शुरू करता है तो कहीं ना कहीं जदयू के तरफ से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाता है। मुद्दा विहीन राजनीति पिछला कई समय से हो रहा हुआ, काफ़ी चुनाव देख ली हुआ जिनमें मुद्दा गौन रहा और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हमला इस सब के स्थान आ गया है। एक बार फिर से रुआ देख लो कि जना तरीका से अशोक चौधरी बनाम तेजस्वी यादव एपिसोड चल रहा बा और एपिसोड के जदयू के तरफ से जितना तेजी से दिहल जा रहा बा और जो एपिसोड के उछावल जा रहा बा ये भी रुआ देखे के मिलल हुई। 10 घंटा के समय रहा और समय के बाद अभी तक कोई भी जवाब RJD के तरफ से तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं आई। अब यह आरोप प्रत्यारोप के दौर में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बहुत सारा हमला भी कर रहे हैं।
जहाँ एक तरफ इकबाल अंसारी के ज्वाइन करौले हा, ओजे लगातार नीतीश कुमार के क्रियाकलाप और 15 साल के उनकर जन टेन्योर रहल हा ओकरा पर हमला भी कैले हा। उनका सीधे तौर पर कहना रहा और लगातार जो कह भी रहा बड़े कि चोरी से वो सत्ता में शामिल बड़े, जनता के जनादेश के डकैती करके वो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठा दिले और भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बन के चल रहा बड़े। यही बीच में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद भी यह पूरे समर में कूद गए बड़े और लालू प्रसाद के कहना बा कि बीजेपी नाम के जौन ताला नीतीश कुमार के मुँह पर लागल बड़ुए उ जाब से भी ज़्यादा खतरनाक बा, और ताला इतना मजबूत बा कि जनक चाबी भी नीतीश कुमार खोजते खोजते थक गए ना मिली, उकर चाबी आरजेडी के पास बा और आरजेडी उ चाबी अब खोले के भी स्थिति में नहीं के, कारण कि नीतीश कुमार भरोसा के काबिल नहीं खन। ये बात के लेकर के आरजेडी के कई गो नेता लगातार नीतीश कुमार के क्रियाकलाप पर हमला करता रहे। इतना ना लालू प्रसाद की एक बात और कहना बा कि 500 करोड़ से अपन छवि चमकावत रहे, लेकिन वो पैसा जनता खातिर उनका नहीं है, गरीब गुरबा खातिर नहीं है, गरीब गुरबा खातिर उनका लगे कोई योजना नहीं है। हालांकि ये बात रोलों के लगातार बताओ जा रहा है भारत लाइव के माध्यम से कि नीतीश कुमार लगातार समीक्षा कर रहे वाले बैठक का दौर जारी बा और कैसे लोग के रोजगार मिलो एकरा पर पूरी तरह से फोकस के लिए बा, रोजगार सृजन करे खातिर अलग अलग विभाग और मंत्री लोग के साथ बैठक का दौर चलता। आज भी बैठक रहला और बैठक में भी निश्चित रूप से चर्चा यही विषय को होता। चुनावी साल चल रहा बा, चुनाव के अंतिम समय चल रहा बा और एकरा के लेकर के चुनाव आयोग की जो तैयारी बा ओकरा विषय में भी लोग बतानी। ये सब पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के हमला और तेजस्वी यादव एकरा पहले कहले भी रहे हैं कि चुनाव के तिथि आगे बढ़ा दिया जाओ। ये सबके बीच में जनक तरीका से तेजस्वी यादव के नीति और नियत के लेकर के प्रश्न खड़ा होता रहा, ओ पर पूरी तरह से अब फोकस करके तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और सत्ता में बैठे लोग पर हमला शुरू कर दिले बड़े। तेजस्वी यादव जमीन पर उतर करके खेत खलिहान और किसान से मिलना शुरू कर दिले बड़े। शिक्षा के लेकर के जहां उपेंद्र कुशवाहा, रोजगार के लेकर के जहां कांग्रेस लगातार हमलावर बा और एकरा साथ साथ रोजगार सृजन के नया नया आयाम खोजे खातिर मुकेश सहनी जहां लगातार दबाव बनावत रहे, वही अगर कहल जाओ तो तेजस्वी यादव जमीन पर उतर करके नीतीश कुमार के सीधे घेरे के प्रयास के लिए और बतौले हा कि जहां एक तरफ कोरोना संकट से नीतीश कुमार अपना के पूरी तरह से एक्सपोज करा ले ले, 15 साल के उनका सत्ता और शासन सुशासन के कुशासन नजर आ गई, लोग पलायन करके बिहार से बाहर गए रहा और लोग वापस आ गए बा, लोग के कैसे सामंजस्य स्थापित करी हैं, कैसे लोग को रोजगार मिली जना में कि बहुत सारा लोग अब गई लिखे चाहत। एकरा साथ साथ जो कृषि क्षेत्र में इतना ज़्यादा अनियमितता बा, इतना ज़्यादा विरोधाभास बा कि किसान बुरी तरह से त्रस्त बाड़े, चाहे वो केला व्यवसाय होकस या फिर लीची व्यवसाय होकस, आम व्यवसाय होकस या सब्जी के उत्पादन करे वाला उनका खेती करे वाला किसान होकस, वो सब त्रस्त बाड़े। एकरा साथ साथ और भी गन्ना किसान से लेकर के और मकई तक के उत्पादन करे वाला, बुआई और कटाई करे वाला लोग के समस्या बहुत गंभीर हो गई बा, सरकार के कोनो ओकरा पर ध्यान नहीं खे, फसल बहुत अधिक संख्या में सड़ गल रहल बा, मांग के अनुसार और खेती के अनुरूप वो लोग के पैसा नहीं खे मिल पाओ, जन से किसान बहुत त्रस्त बाड़े। प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जना से ओकरा के प्रोसेसिंग करके और बेहतर तरीका से ओकर मार्केटिंग हो सके, इस सब के लेकर के किसान बहुत परेशान बड़े। और लागत से अगर उत्पादन के मूल्य कम हो जाए तो कोई भी किसान निश्चित रूप से परेशान हुई, इस सब बात पर सरकार के ध्यान देवे की जरूरत रहा, लेकिन नीतीश कुमार के इस सब पर कोई ध्यान नहीं है। उनका सीधा ध्यान और फोकस चुनाव पर बा और कैसे अंक गणित जोड़ करके वो फिर कुर्सी हासिल करस, उनका पूरा ध्यान यही पर बा। एक खातिर वो कोई के भी बदनाम कर सकले कोनो तरीका से, वो चाहत रहन के सिर्फ लालू राबड़ी वर्सेज नीतीश करवा करके और मुख्य मुद्दा से लोग के भटका दी, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना बा कि अब की हाली यह मुख्य मुद्दा से भटके ना दिया, विपक्ष में जब यह विषय वस्तु पर बातचीत लगातार विपक्ष के तरफ से हो रहा बा तो विपक्ष के कहना बा कि अब के नीतीश कुमार के निकले के कोनो रास्ता नहीं के, बिहार के जनता भी ये बात के तैयारी कर चुकल बाड़ी कि नीतीश कुमार से जवाब जरूर तलब करी है।
पंद्रह साल बनाम पंद्रह साल नीतीश कुमार के शुरुआत कल रहे और ओ पंद्रह साल बनाम पंद्रह साल पर नीतीश कुमार के बिहार के जनता के जवाब देवे के हुई। कोरोना संकट के दौरान जौना तरीका से नीतीश कुमार बिहार के लोग के साथ व्यवहार कैले उ व्यवहार निश्चित रूप से बिहार के एक भी जनता ओकरा के भुलाए वाला नहीं थी और ना अब बिहार से लोग बाहर जाए वाला बा। विपक्ष के कहना बा कि अगर मौका मिलता चाहे वो कांग्रेस होके आरजेडी होके आरएलएसपी होके वीआईपी होके कोई भी दल उस सब के एक बात कहना बा कि अगर अवसर मिल गई तो बिहार के बदले में वो कोई कोर कसर ना छोड़ी है। कारण कि नीतीश कुमार 15 साल में सिर्फ सुशासन के चोंगा ओढ़ करके और जौना तरीका से बिहार के जनता के ठगले वो अब एक्सपोज हो चुकल वाले। बिहार के जनता पूरी तरह से काम छुटला के चलते रोजगार ना मिलला के चलते अब बहुत कष्ट में बाड़े बहुत दुख में बाड़े और नीतीश कुमार कोई भी रास्ता अपनावे के तैयार नहीं खन ना उनका खातिर कोनो उनका लगे उपाय बा। कारण कि केंद्र के लगे जब उपाय नहीं है तो राज्य के लगे का होई। केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य सिर्फ चुनावी बा, एकरा अलावे और कोनो कुछ नहीं है। एकरा साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार नीतीश कुमार लगातार कहले कि डबल इंजन के सरकार बा, लेकिन डबल इंजन के फायदा नहीं है मिलत। कोरोना के लेकर के भी जौना तरीका से आंकड़ा बढ़ रहा बा, आंकड़ा जो सामने नजर आ रहा बा वो आंकड़ा के हिसाब से 3,43,000 के पार चल गई बा। जहां देश के आंकड़ा वो बिहार भी 6,700 से ऊपर के आंकड़ा हो गई बा। आज भी कोरोना के 100 के आसपास से लोग संक्रमित पाओल गई विभिन्न जगह में और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा बा। इस सब पर भी सरकार के ध्यान नहीं के, ना सरकार के पास संसाधन बा और ना सरकार जांच के प्रक्रिया तेज कर रहा बड़े। जांच के लेकर के भी तेजस्वी यादव और विपक्ष सवाल उठाओ। अब सीधे तौर पे इस सब के भुला करके महामारी बेरोजगारी और अत्याचार भ्रष्टाचार के मामला गौन हो गई बा। सिर्फ नीतीश कुमार के लगे एक मुद्दा बा और वो मुद्दा बा चुनाव। चुनाव के लेकर के अब उद्घाटन हुई और नया नया योजना बनी, योजना के सब्ज बाग दिखाओ जाई और ये तब तक चलत रही जब तक ले चुनाव हो नहीं खे जात। चुनाव के तैयारी सब कोई कर रहा बा। वही चुनाव के तैयारी में कहीं ना कहीं पहला झटका और सेंधमारी आरजेडी के तरफ से जदयू में भइल बा और एकर उत्तर निश्चित रूप से जदयू भी दी ही। कारण कि अब उठा पटक शुरू हो गई बा और यह अखाड़ा में के कितना मजबूती से अपन खूंटा गाड़ता ये बात अब देखे वाला हुई। जुड़े रही समय भारत लाइव के साथ, खबर के सिलसिला लगातार जारी बा। नमस्कार।